अरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम शुरू करेंगे पोर्तुगीज लैंग्वेज का लेसन नंबर 26। सबसे पहले यहाँ लिखा है वर्क। पोर्तुगीज में बोलेंगे त्रबालियो, त्रबालियो यानी के काम। इसके बाद है हॉलीडे। पोर्तुगीज में बोलेंगे फेरियादो, फेरियादो यानी कि छुट्टी। इसके बाद है फेस्टिवल। पोर्तुगीज में बोलेंगे फेस्टिवल, फेस्टिवल यानी कि त्योहार। इसके बाद है पार्टी। पोर्तुगीज में बोलेंगे फेस्टा, फेस्टा यानी कि पार्टी या मनोरंजन। इसके बाद है टाइम। पोर्तुगीज में बोलेंगे टेम्पो, टेम्पो यानी कि वक्त या समय। इसके बाद है सैलरी। पोर्तुगीज में बोलेंगे सालारियो, सालारियो यानी कि तनख्वाह या वेतन। इसके बाद है रिसिप्ट। पोर्तुगीज में बोलेंगे खेसीबो, खेसीबो क्योंकि आर को हम पोर्तुगीज में ख से बोलते हैं। खेसीबो यानी कि रसीद। इसके बाद है कॉइन। पोर्तुगीज में बोलेंगे मोएदा, मोएदा यानी कि सिक्का। अगर हम मोएदा के पीछे एस लगा देंगे, आ के पीछे एस, तब बन जाएगा मोएदश, मोएदश यानी कि सिक्के। इसके बाद है मनी। पोर्तुगीज में बोलेंगे दिनेयरो, दिनेयरो यानी कि पैसे। इसके बाद है बैंक नोट। पोर्तुगीज में बोलेंगे नोटा, नोटा यानी कि नोट। तो यहाँ पर हमारा पोर्तुगीज लैंग्वेज का लेसन नंबर 26 खत्म होता है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, सीखने को कुछ मिलता है, तब आप इसे लाइक भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। चाओ चाओ।